आज हम कक्षा 9 संस्कृत विषय का पाठ 5 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है सुक्ति मुक्तिकम। इस पाठ में नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले कुछ श्लोकों का संग्रह किया गया है, जैसे सदाचार की महिमा, वाणी की आवश्यकता, परोपकार स्वभाव इत्यादि। इन श्लोकों को का अगर हम अनुगमन करेंगे तो इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चलिए श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति चे याति चे अक्षिणो वृत्तम क्षीणो वृत्तम अस्तु हतो हते। देखिए यहाँ पर वृत्तम का अर्थ होगा चरित्र, कि चरित्र की यत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। यत्न पूर्वक मतलब प्रयास करके, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि या वित्त का अर्थ होगा यहाँ पर, वित्त मतलब धन, धन तो वित्तमेति चे याति चे, एति का अर्थ होगा आता है और याति मतलब जाता है, कि धन कैसा है, धन तो आज है और कल नहीं है, इसलिए हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्तम क्षीणो वृत्तस्तु हतो हते, वित्त मतलब धन, कि धन के नष्ट होने पर, धन के खत्म होने पर कुछ नष्ट नहीं होता, परंतु वृत्तम का अर्थ है यहाँ पर चरित्र। अगर चरित्र हतो हते का अर्थ होगा चरित्र से मरा हुआ मर जाता है, अर्थात चरित्र रहित व्यक्ति का जीवन जीवित रहना भी उचित नहीं है, इसलिए हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। मनुस्मृति से ये श्लोक लिया गया था। दूसरा श्लोक है, विदुर नीति से लिया गया है, श्रुत्वाम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावर्धार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशाम ने समाचरे। श्रुयताम धर्मस्वम, सर्वस्वम का अर्थ होगा संपूर्ण, कि धर्म के सार को, संपूर्ण सार को श्रुताम सुनो, श्रुत्वा और सुनकर ही चैव अवधार्यताम उसे धारण करना चाहिए। धर्म के सार को सुनो और सुनकर ही धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि परेशाम ने समाचरित, आत्मने का अर्थ होगा कि जो स्वयं को, प्रतिकूलानि का अर्थ है प्रतिकूल ना लगे, अच्छा ना लगे ऐसा व्यवहार, परेशाम मतलब दूसरों के साथ न समाचरित नहीं करना चाहिए। वापस देखिए कि आत्मने मतलब स्वयं को जो अच्छा ना लगे, प्रतिकूलानि मतलब स्वयं के लिए जो प्रतिकूल ना हो, जो अच्छा ना लगने वाला व्यवहार है वे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक देखिए, ये चाणक्य नीति से लिया गया है। श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्व तस्मात् तदे वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से ही, प्रदानेन मतलब बोलने से ही, सर्वे मतलब सभी, जनत्व मतलब जीव जो प्राणी है, वह तुष्यन्ति का अर्थ होगा प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से ही सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, तस्माद् तदेव वक्तव्यम तो वैसे ही वचन बोलने चाहिए। तस्माद् मतलब तदेव मतलब वैसे ही, वक्तव्य मतलब बोलने चाहिए, वैसे ही वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में, वचने का मतलब बोलने में का अर्थ होगा यहाँ पर कोई दरिद्रता या मतलब गरीबी नहीं, दरिद्रता मतलब कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से ही सभी जीव संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए वैसे ही वचन बोलने चाहिए और बोलने में अच्छे वचन, प्रिय वचन बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक देखें, पिबंती नद्य स्वयमेव नाअम स्वयं ने खादंती फलानी वृक्षा नादंती सस्यम खलु वारी वहा परोपकाराय सताम विभूति। ये सुभाषित रत्न भंडागार से ये श्लोक लिया गया है। श्लोक समझिए, नद्य मतलब नदिया, स्वयमेव मतलब अपना, नाअम्ब अम्ब ना अम्ब में न और अम्ब, ये संधि विच्छेद इसका, अम्ब मतलब जल, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, या न हम या लगा देंगे कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं,
वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। वारी वहा का अर्थ होगा, वारी वहा मतलब या खलू से लेंगे, खलू मतलब निश्चय ही, वारी वहा मतलब बादल, निश्चय ही बादल अपने उगाए, सस्यम का अर्थ होगा फसल को, ना दंती मतलब नहीं खाते हैं। उसी प्रकार सताम का अर्थ होगा सज्जनों की, विभूति मतलब संपत्तियाँ, सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकाराय परोपकार के लिए ही होती हैं। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, निश्चित ही बादल अपने उगाए अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। उसी प्रकार सता मतलब महापुरुषों की, सज्जनों की जो संपत्तियां हैं वो परोपकार के लिए होती हैं, दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। अगला श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है, देखिए पांचवा श्लोक। गुणेश्वेव ही कर्तव्ये प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरेर गुणे सम। देखिए श्लोक को ही से लेंगे हम इसको, ही मतलब निश्चय ही, निश्चित ही, पुरुषे मतलब मनुष्यों को, सदा मतलब हमेशा, गुणेश्वेव का अर्थ होगा गुणों में ही, कर्तव्य प्रयत्न, प्रयत्न करना चाहिए, निश्चय ही मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात गुण का संचय करने में, गुणों को इकट्ठा करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, जो गुण से युक्त हैं, जिस व्यक्ति के पास गुण हैं, अगर वैसा वो गरीब भी हैं, वह नेश्वरेर गुणे सम, नेश्वरेर गुणे का अर्थ होगा वे जिस गुण रहित अमीर के समान नहीं है, उसके बराबर नहीं है, अर्थात अमीर से भी श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के पास गुण है, गुणों से भरा हुआ है, तो वो व्यक्ति गुण रहित जो अमीर व्यक्ति है उससे भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदा गुणों में ही, गुणों को इकट्ठा करने में ही प्रयत्न प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। आरंभ गुरुवी शीणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति चे पश्चात दनस्य पूर्वाद पराद भिन्ना छाये मित्री खल सज्जना नाम। इति शतकम का ये श्लोक है। सज्जनों की और दुर्जनों के मित्रता का यह वर्णन किया गया है। देखिए श्लोक को। आरंभ गुरवी के जो दुर्जनों की जो मित्रता है, या खल सज्जना नाम में खल शब्द का अर्थ है दुर्जन, के दुर्जनों की मित्रता कैसी है। आरंभ गुरवी, आरंभ में तो बड़ी शहिणी कर्मेण, और धीरे धीरे शहीण होने वाली मतलब खत्म होने वाली, जल्दी घटने वाली होती है। जो दुर्जनों की मित्रता है वो आरंभ में तो बहुत लंबी, बहुत अच्छी चलने वाली, लेकिन बाद में शहीनी कर्मेण धीरे धीरे खत्म होने वाली होती हैं। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है उसकी जो मित्रता है वो लघ्वी पूरा, लघ्वी का अर्थ है यहाँ पर पहले छोटी, और बाद में पश्चात का अर्थ होगा बाद में, वृद्धि मति का अर्थ होगा बढ़ती हुई होती है। देखिए एक उदाहरण से भी इसको समझाया गया है, जैसे कि छाया, छाया कैसी होती है, दिनस्य पूर्वात पराद भिन्ना, दिन के पूर्व में, पूर्वात का अर्थ होगा पूर्व में, जब सुबह जब धूप निकलती है तब छाया बड़ी होती है, और फिर पराद मतलब बाद में घटती रहती है। उसी प्रकार जो मित्रता है खल मतलब दुर्जनों की, वो आरंभ में तो लंबी होती है फिर धीरे धीरे घटने वाली होती है। उसी प्रकार सज्जनों की जो मित्रता है वो लघ्वी पूरा पहले छोटी होती है, पूरा मतलब पहले, लघ्वी मतलब छोटी होती है, और पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, वृद्धि मति का अर्थ होगा बढ़ती जाती है। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए, ये भामिनी विलास से ये श्लोक है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडलाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोग। महीमंडल मंडलाएं का अर्थ होगा पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस यत्रापि कुत्रापि, कि जहां कहीं भी जाए, गताम भवेयुम, गता मतलब जाए, यत्रापि कुत्रापि जहां कहीं भी
गताम भवेयु मतलब जाए। पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी जाए निश्चित ही, या ही का अर्थ होगा निश्चित ही। तेषां मतलब उन सरोवराणां मतलब सरोवरों की, उन तालाबों की, तो हानिस्तु में तू है तो तू का मतलब होगा तो, हानि मतलब हानि है, नुकसान है। जिनका, यशा मतलब जिनका, मराले सह भी प्रयोग, मराले मतलब हंसों से भी प्रयोग का अर्थ होगा अलग होना है। कि निश्चित ही उन सरोवरों की तो हानि है जिनका हंसों से वियोग है अलग होना हो, अर्थात जिस तालाब पर हंस नहीं होंगे तो उस तालाब की सुंदरता नहीं बढ़ती है, तालाब की सुंदरता हंसों से ही बढ़ती है। अगला श्लोक है, हितोपदेश से ये लिया गया श्लोक है। देखिए, गुणा गुणगीषु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा आस्वादु तोया प्रभंती नद्ये समुद्र मासाद्य भवंती पेया। गुणगेशु गुणा गुणा भवंती, गुणगेशु मतलब गुणियों में जो गुणों को जानने वाले हैं उनमें जो गुण होते हैं वो गुण ही होते हैं, गुणों को जानने वाले में गुण गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुण मतलब जिसमें गुण ना हो, गुणहीन व्यक्ति में वे, ते मतलब वे, वे मतलब गुण, गुणहीन व्यक्ति में वे गुण दोष में बदल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझाया गया, जैसे नदी मतलब नदियाँ आस्वादु तोया प्रवहंती अपना स्वादिष्ट जल, आस्वादु तोया का अर्थ होगा अपना स्वादिष्ट जल, प्रवहंती मतलब उत्पन्न करती हैं, या नदी स्वादिष्ट जल द्वारा नदियाँ बहती हैं। परंतु समुद्र मासादि भवंती पिया, परंतु जब समुद्र में मिलती हैं तो वह पीने योग्य नहीं होती। तो नदियाँ जब निकलती हैं उस समय उनका जल स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र के पानी में मिलती हैं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, तो वो उस नदी के जल को भी खारा कर लेता है। उसी प्रकार जो गुण होते हैं अगर वो गुणवान व्यक्ति में है, गुणों को जानने वाले व्यक्ति में है, तो वो गुण गुण ही होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिसमें गुण नहीं है, तो वे गुण जो है वो दोष में बदल जाते हैं।